जो हम सोचते हैं ब्रशिंग के बारे में कि एक बार हम रात में ब्रश कर ले और एक बार हम सुबह उठते ही ब्रश कर ले, वो बिल्कुल गलत है। जो बेस्ट तरीका होगा वो है रात को सोने से पहले ब्रश करना और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करके अपने काम पे जाना। एटलीस्ट 2 मिनट तो स्पेंड करना है ब्रशिंग में और अच्छे ब्रशिंग टेक्निक से करना है। ये ब्रशिंग टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम बस एक ब्रश ले और रगड़ना शुरू कर ले दांत को। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना शुरू करते हैं तो उससे और अधिक प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं, जैसे दांत घिसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, दांत घिस घिस के सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। देखिए, दांत के 3 सेक्शन होते हैं, एक ऊपर का, एक साइड का और एक बाहर का। जो ब्रिसल्स हैं उनको एक 45 डिग्री एंगल में ब्रश को गम्स और दांत को टच करते हुए ऐसे इन हॉरिजॉन्टल मोशन वो जो क्रेविस है उसको भी क्लीन करके, वो जो एज होता है, जो कॉलर होता है, वो उसको भी क्लीन करके हॉरिजॉन्टल मोशन में ब्रश करना है और हर दांत का कवर करें। जैसे हम हर दांत का करते हैं, जैसे हम इतना करेंगे तब तक 2 मिनट तक तो लगेंगे ही लगेंगे। बच्चों को जब से दांत आ जाते हैं उनका ब्रशिंग शुरू कर देना चाहिए। जो छोटे बच्चे 6 महीने से 8 महीने के होते हैं उनको केवल एक कॉटन से अगर हम वाइप कर देते हैं वो भी काफ़ी। जैसे जैसे दांत बढ़ते जाएंगे ब्रशिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर किड्स इज नो ट्रीटमेंट। एज एन अडल्ट भी डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस होता है और बच्चों को तो उससे ज़्यादा ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जितना भी पॉसिबल है उसको अवॉइड करना, डेंटल केरीज को अवॉइड करना ही इज द बेस्ट। 0 to 3 years के बच्चे को नॉन फ्लोरेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम या निल होती है। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं ब्रशिंग के लिए स्वॉलो कर लेते हैं तो फ्लोराइड के टॉक्सिटी के भी चांसेस होते हैं, ऑल्दो कम, बट वी नीड टू अवॉइड फ्लोरेटेड टूथपेस्ट। आफ्टर 3 years 3 से 6 साल के बच्चों को फ्लोरेटेड टूथपेस्ट, जो अडल्ट टूथपेस्ट है, हम यूज कर सकते हैं। एक छोटा पी साइज यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि बच्चा उसको स्वॉलो ना करे। अगर 1-2 बार ब्रश नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर ये कंटिन्यूस हैबिट सा बन जाए, हफ्ते हो गया, महीना हो गया और सालों साल ऐसे करते गए, जो बैक्टीरिया है, जो मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के साथ जो मिलके एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो दांत को पिघल देता है और उसी को हम सड़न बोलते हैं और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक हो गया सड़न बढ़ेगा, दूसरा अपने मुँह से बहुत स्मेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा, आपको उसके लिए हफ्ता या दो हफ्ता वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, हमारे हेल्थ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं जिनके दांत के कंडीशन अच्छे नहीं है। कोई सा भी टूथब्रश जो मीडियम ब्रिसल हो, सॉफ्ट ब्रिसल अधिक सॉफ्ट या हार्ड मत यूज़ कीजिए, मीडियम ब्रिसल ठीक है। सॉफ्ट ब्रिसल से उतना क्लीनिंग नहीं होता और हार्ड ब्रिसल से दांत को घिसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मीडियम ब्रिसल यूज कीजिए। क्रिस क्रॉस होना चाहिए। सेलेक्टिंग अ टूथपेस्ट इज लाइक सेलेक्टिंग योर सोप, इट डजंट मैटर व्हाट सोप यू यूज टू हैव अ बाथ एज लॉन्ग एज यू यूज अ सोप। सो टूथपेस्ट ही वैसे ही है, कोई सा भी टूथपेस्ट यूज करो जो अच्छा फ्लेवर पसंद आया, जो भी यूज करो, एज लॉन्ग एज यू ब्रश प्रॉपरली यूजिंग द राइट टेक्निक फॉर द राइट अमाउंट ऑफ टाइम यू विल बी फाइन। फ्लॉसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दांत के बीच में जो गैप अगर है तो ब्रशिंग से क्लीन हो जाता है, बट अगर गैप नहीं है और अच्छे दांत और टाइट दांत हैं, 2 दांत के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्लीनिंग अपॉइंटमेंट में भी उनको फ्लॉस ही करना पड़ेगा उसको क्लीन करने के लिए। बिना फ्लॉसिंग किए वहाँ से जो भी प्लाक जो अक्यूमुलेट होता है, जो खाना फंसता है, वो कभी भी बाहर नहीं आएगा।